जय श्री श्याम दोस्तों, मंजीत का ध्यान व्लॉग में आपका स्वागत है। भाई दूध निकाल लिया, खाना खिला दिया इनको, अब नहला रही हैं, फिर बाद में खेत में जाएंगे, बारी बारी सबको नहलाएंगे। एक वो गाय है वो भी नहला दी है। दोस्तों अब इसका नंबर आ गया है, इसको नहलाने के बाद अंदर गौ माता है उसको नहलाएंगे। लो भाई खेत में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब खेत में जाएंगे। दोस्तों ये हमारे गांव का सरकारी स्कूल है, इसमें हमने पढ़ाई की थी 8वीं क्लास तक। ये स्कूल है भाई, ये देखो दोस्तों हमारे गांव के खेतों का नज़ारा कितना सुंदर है। चारों तरफ हरियाली है, देखो चारों तरफ हरियाली है, नजारा है जैसे कहीं वादियों में फंस गए हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। बाइक के ऊपर बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है सुबह सुबह। सामने दिखाई दे रहा है आपको दोनों तरफा। यहाँ ये कुछ एरिया गांव से आगे चलकर ऐसा है जहाँ का पास ज़्यादा होती है, धान कम होते हैं, और हमारे गांव के नज़दीक धान ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सूखा एरिया है भाई, पानी की कमी है, तो इसलिए कपास बो देते हैं। देखो कितनी सुंदर कपास खिली हुई है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है बिल्कुल दोनों तरफा। और एक यहाँ भी पूरे तरफ भी। लो भाई खेत में आ चुके हैं, ये है कपास की खेती। तो भाई इसका ईंधन भी होता है, ये लकड़ियाँ जलाने के काम आती हैं इसकी। अब इसकी कटाई करेंगे। और भाई ये देखो, अरे उड़ान तो देख ले, शर्माओ क्यों है। देखो भाई ये बंदा ऐसा है, दिन में 2 किले काट देता है इनके, मशीन की तरह हाथ चलते हैं इस बच्चे के। ये देखो भाई, देखो कच्चे कच्चे में रहता है और बहुत ज़्यादा खिंचाई करता है वो। तो ठीक है साथियों, दोस्तों ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है, ये लगा रखे हैं, ये ड्रैगन फ्रूट है, फल लगते हैं इसमें और भाई बिकते भी अच्छे भाव से हैं। ये करीबन 2-2.5 साल पहले लगाए थे, अब फल आने लग गया है। इनके पिछले साल भी बिक्री की थी और अब फिर आएगा फल कुछ समय में। और ये अब लगाए हैं भाई करीबन 6 महीने पहले, ये छोटे हैं पौधे हैं अभी, पूरी 1 एकड़ ज़मीन में लगा रखे हैं ये। तो ये है भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती जो हमारे गांव में भी होती है। साथियों आज का काम समाप्त, अब घर को वापसी है।